नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुणाल और आप देख रहे हैं केके लैब यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत बार हम अपने दोस्तों से या फिर टीवी में टीआरपी रेटिंग्स के बारे में सुनते हैं और उसके बाद हमारे मन में सवाल आता है कि टीआरपी रेटिंग्स क्या होती हैं या फिर किस तरीके से ये टीआरपी रेटिंग कैलकुलेट की जाती होंगी। तो आज आप इस वीडियो को देखते रहिए और इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ कि टीआरपी रेटिंग्स क्या होती हैं या फिर किस तरीके से इन टीआरपी रेटिंग्स को कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों, टीआरपी रेटिंग का मतलब होता है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। जितने भी टीवी चैनल्स हम देखते हैं उनको एक रेटिंग दी जाती है या फिर आप यूँ कहिए कि एक मार्किंग दी जाती है और उन रेटिंग के माध्यम से हमको पता लग पाता है कि कौन सा टीवी चैनल सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा देखा जाता है। इसी को टीआरपी रेटिंग्स कहते हैं। अब दोस्तों, जितने भी टीवी चैनल्स होते हैं उनको अपने अपने चैनल में ही मार्किंग दी जाती है या फिर रेटिंग निकाली जाती है। मेरे कहने का मतलब है, अगर कोई स्पोर्ट्स चैनल है तो उनको स्पोर्ट्स चैनल में रैंकिंग दी जाती है, अगर कोई न्यूज़ चैनल है तो उनको न्यूज़ चैनल में रैंकिंग दी जाती है, और इसी तरीके से अगर कोई डिफरेंट चैनल का चैनल है तो उनको अपने अपने चैनल में रैंकिंग दी जाती है ताकि उनकी एग्जैक्ट रैंकिंग पता चल सके। टैम नाम की एक कंपनी है जो कुछ साल पहले तक इन सभी चैनल्स की टीआरपी रेटिंग कैलकुलेट किया करती थी, लेकिन फिलहाल बार्क इंडिया नाम की एक एजेंसी है जो इन सारे टीवी चैनल्स की टीआरपी रेटिंग्स रिलीज़ करती है और इस तरीके से हमको रेटिंग्स पता चल पाती हैं। जितने भी ब्रॉडकास्टर्स होते हैं इनको अपने चैनल्स की टीआरपी रेटिंग कैलकुलेट करवाने के लिए इन एजेंसीज़ को अच्छी खासी रकम देनी पड़ती है। और यहाँ पर फिर एक सवाल भी आता है कि क्यों ब्रॉडकास्टर्स अपने चैनल्स की टीआरपी रेटिंग कैलकुलेट करवाते हैं। तो इनका पूरा का पूरा जो रिलेशन है वो रेवेन्यू से जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक बार जब उनके चैनल्स की टीआरपी रेटिंग कैलकुलेट हो जाती है तो वो अपने एडवर्टाइजर्स को दिखा के उनसे अच्छी खासी एडवर्टीजमेंट ले पाते हैं। और यही रीज़न है कि क्यों ब्रॉडकास्टर्स अपने चैनल्स की टीआरपी रेटिंग कैलकुलेट करवाने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। अब दोस्तों, सबसे लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट सवाल आता है कि सभी चैनल्स की टीआरपी रेटिंग किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे टीआरपी रेटिंग को कैलकुलेट करने के लिए वाटरमार्क टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे एक स्पेसिफिक तरीके का कोड सभी टीवी चैनल्स की ऑडियो में मिक्स कर दिया जाता है ब्रॉडकास्टिंग के पहले। ये जो कोड्स होते हैं इनको हम अपने कानों से सुन नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे एक डिवाइस का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम इन जो वाटरमार्क कोड्स होते हैं उनका पता लगाया जा सके, जिसका नाम है बारोमीटर। जी हाँ दोस्तों, बैरोमीटर नहीं। और इस डिवाइस को हम लोगों के घरों में इंस्टॉल करते हैं और जैसे ही इस डिवाइस को टीवी से निकलने वाली ऑडियो सुनाई देती है तो ये तुरंत डिटेक्ट कर लेता है कि घर में कौन सा टीवी चैनल प्ले हो रहा है। अब टीवी चैनल डिटेक्ट करने के साथ ही साथ इस डिवाइस का एक और काम होता है, जो भी उस घर में टीवी देख रहा है उसकी आइडेंटिटी डिटेक्ट करना कि वो मेल है या फीमेल है या फिर कोई बच्चा है। तो बेसिकली होता क्या है कि इसमें एक रिमोट होता है, जब भी आप अपने घर में टीवी चालू करते हैं तो इसमें एक बीप बीप का साउंड सुनाई देने लग जाता है। तो उसका मतलब ये होता है कि आपको रिमोट से आपको अपनी आइडेंटिटी देनी है कि आप मेल हो, फीमेल हो या फिर आप कोई किड हो। उसके बाद वो बीप बीप का साउंड बंद हो जाता है और अपने चैनल्स को आप अपने टीवी को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। अब दोस्तों, इस डिवाइस के अंदर एक सिम कार्ड भी लगी होती है जिसकी मदद से ये जो भी डेटा रिकॉर्ड करता है उस घर का पूरा डेटा अपने सर्वर तक भेज पाता है। और जब एक बार सर्वर में लगभग 40,000 से 50,000 अलग अलग डिवाइसेस से डेटा निकल के आ जाता है तो टीआरपी रेटिंग्स निकल के आ जाती हैं और इन्हीं टीआरपी रेटिंग को फिर रिलीज़ किया जाता है, जिससे जनता को पता लग पाता है कि इस महीने का या फिर इस हफ्ते का कौन सा टॉप न्यूज़ चैनल था या फिर कौन सा टॉप स्पोर्ट्स चैनल था। तो ये थी टीआरपी रेटिंग की कहानी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि टीआरपी रेटिंग्स क्या होती हैं या फिर किस तरीके से इन सारी टीआरपी रेटिंग्स को कैलकुलेट किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस तरीके के वीडियोज़ मैं अक्सर बनाता ही रहता हूँ।